नमस्कार, जी राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी वक्त हो चला है बड़ी बहस यानी आज का अटैक का। भारत में कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की है, साथ ही लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील भी की गई। यहां तक तो बात दीगर थी, लेकिन सोशल मीडिया पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के एक पत्र को लेकर देश की सियासत अब पूरी तरह से गर्मा गई है। दरअसल कोविड की आशंका के मद्देनजर मंडाविया ने राहुल गांधी को एक पत्र लिखा कि देश में कोरोना की आशंका का हवाला देते हुए यात्रा में जरूरी एहतियात बरतने की अपील इसमें की गई, साथ ही देश हित में यात्रा को स्थगित करने की भी बात कही गई। इसको लेकर अब देश की सियासत परवान चढ़ गई। कांग्रेस ने आरोप लगा दिया कि बीजेपी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई है, इसलिए ये अब ऐसे नियम का हवाला दे रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने कहा कि लोगों की जान बचाना पहली प्राथमिकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कोरोना की आहट से देश में चल रही यात्राओं से किसको सबसे ज्यादा घबराहट है। चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन उससे पहले दोनों पक्षों के नेताओं का क्या कुछ कहना है, बयान सुनवा। दो मेंबर पार्लियामेंट, ए पीपी चौधरी पाली के, एक न्याय सिंह जी गंगानगर के, वो कल ही पत्र लिखते हैं उनको कि राजस्थान में यात्रा चल रही है और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, और क्यों कोरोना फैल रहा है तो इसलिए आप इनको पाबंद करें कि ये कोरोना किस प्रकार से यात्रा कर रहे हैं। ये बुखलाट का एक बड़ा नमूना सामना है। जनता को बचाना पहली प्रायोरिटी है या आपकी यात्रा, वो भी कह रहे हैं ना, चलाओ ना, अब प्रोटोकॉल का पालन करके चलाओ। कौन ना कर रहा है? आपको प्रोटोकॉल का पालन करके चलाना है, जरूर चलाओ ना, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। चलिए, तो हर कोई अपने अपने लिहाज से इन चीजों को देख रहा है, सबका अपना आकलन है, लेकिन सवाल यही है कि घबराहट है या वाकई सचेत होने की जरूरत आन पड़ी है। एक पैनल मौजूद है हमारे साथ, रूबरू कराते हैं आपको। हमारे साथ सुनील शर्मा हैं, कांग्रेस नेता, डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा हैं, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज अलवर, माधुराम चौधरी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत सुनील शर्मा जी, मैं आपके साथ करना चाहूंगा। कहा जा रहा है कि बौखलाहट है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, घबरा गई है बीजेपी, इसलिए ये तमाम चीजें की जा रही हैं। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लिए चलूंगा। जब बार बार तमाम कांग्रेस के नेता, पिछली बार जब तीन लहर हमने देखी तो उसमें कहा जा रहा था कि सरकार ने काफी देर कर दिया, सही समय पर कदम नहीं उठाया, आज तमाम मौतों की जिम्मेदार इसलिए जो है केंद्र की सरकार है, विफलता है, सही कदम नहीं उठाए गए, इतने सारे आरोप जो है आप लोगों ने लगाए थे। आज जब समय रहते अगर कोई बात कही जा रही है तो आप लोगों को इसमें सियासत नजर आ रही है, ये कितना जायज है? अभी ना मैं बात चालू करूंगा 19 तारीख से, 19 दिसंबर यानी आज से केवल दो दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, एक बात कहते हैं कि हमने 220 करोड़ वैक्सीनेशन लगाए और जो दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव थी, जिसके नतीजे में के अंदर 20 दिसंबर को वापस पार्लियामेंट में मनसुख मांडविया ही कहते हैं 20 दिसंबर को वापस, आप नोट करें जिस दिन लिखा गया है कि पूरे देश में केवल 3490 केस हैं, जो कि मार्च 2020 के बाद सबसे कम केसेज हैं। तो अब बात एक है कि जिस दिन सुबह पार्लियामेंट के अंदर ये बात कहते हैं वो कि अब दुनिया, हिंदुस्तान के अंदर 2020 के बाद यानी पिछले दो साल के अंदर कोरोना के सबसे कम केस हैं, केवल 3490 केस हैं, उसी दिन वो राहुल गांधी जी को एक पत्र लिख देते हैं और वो पत्र लिखते हैं कि आप इस यात्रा को के अंदर कोविड के किस गाइडलाइन का पालन करें, पहले तो ये देखें कि केवल वैक्सीनेटेड लोग ही अंदर उस यात्रा के अंदर आए, और दूसरी बात है यात्रा के बाद उन लोगों को कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत क्वारंटाइन कीजिएगा। अब मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं कि इन्हीं तीनों एमबेमरा पार्लियामेंट ने क्या सतीश पुनिया जी को पत्र लिखा जो जनाक्रोश यात्रा चला रहे? वो एक अलग बात है, जनाक्रोश यात्रा के अंदर भीड़ नहीं आ रही है, ये मैं भी स्वीकार करता हूं कि भारत जोड़ो के अंदर भीड़ आई है, जनाक्रोश यात्रा के अंदर लोग नहीं जुट पा रहे, मगर फिर भी वो यात्रा तो निकाल रहे। कर्नाटक में भी ऐसी यात्रा निकल रही है। सुनील जी, दो बातें जिनका जिक्र मैं करूंगा, मैं चाहूंगा उस पर आप जवाब दें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि भारत जोड़ो जो यात्री हैं उनमें कुछ लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, पहली बात उन्होंने ये कही। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि
जिस तरीके से बार बार आप लोग ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से घबरा कर ये कदम उठाया गया है, इसको एहतियात के तौर पर रखा जा सकता है? आप ये मांग कर सकते हैं कि ठीक है आप गाइडलाइन लाइए, हम उसको फॉलो करेंगे, आप एडवाइजरी जारी कीजिए जैसे तमाम लोग करेंगे, भारत जोड़ो यात्री भी करेंगे, लेकिन आप लोगों ने सीधे ये कह दिया कि भारत जोड़ो यात्रा से बौखला कर ये तमाम चीजें की गई, ये दोनों में फर्क है ना? नहीं, मैं अभिनव आपको एक बात समझना पड़ेगा ना कि आज दिन तक अप टिल टुडे कोई भी कोरोना का आपने कोई प्रोटोकॉल आपने अभी तक कोई नहीं आपने रिलीज किया है, ना कोई आपने नोटिफाई किया है। नया वेरिएंट तो आज ही मिला है, चार लोग मिले हैं, हेल्थ इमरजेंसी लागू की है, BF7 के आज चार लोग मिले हैं, चिंता अब हुई है ज्यादा। मैं अभिनव मैं आपको एक बात कह रहा हूं, BF7 वापस आपके दर्शकों को नोट कर लेना चाहिए, BF7 जो चाइना का भी रिसेंट जो जिसको आप कह रहे हैं कि वायरस है, BF7 का पहला एविडेंस बड़ौदा के अंदर बिल्कुल सितंबर में मिल गया था, मगर सितंबर में BF7 का जब आपने वेरिएंट मिला सितंबर के अंदर बड़ौदा के अंदर मिला है, आप वापस मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं बड़ौदा में मिला, तब क्या प्रधानमंत्री के जो यात्राएं थी उनका रोड शो था, उनका रोड का जो कंपेन था कि आपने उसके अंदर मनसुख मांडविया ने ऐसा ही पत्र लिखने की हिम्मत लगाई, जबकि सितंबर के अंदर वापस मैं आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं सितंबर के अंदर BF7 जो वायरस का जो वेरिएंट है वो डिटेक्ट हो गया था, आपने क्यों नहीं आपने तब ऐसा किया? और आज जब तक जबकि कोई प्रोटोकॉल आपने अभी तक नहीं बनाया, एयरपोर्ट्स के ऊपर भी अभी तक आप मास्क लगाने का बात जायज आपने वहां पर जो सभाएं हुई वहां के लोग थे वहां पर जाकर सभाएं हुई, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जो है वो कन्याकुमारी से चली है और लोगों का एक काफिला वहां से चलता हुआ देश भर से होता हुआ कश्मीर तक जाएगा, तो दोनों में फर्क है। एक जगह पर लोगों का जमा होना, वहीं के स्थानीय लोग होते थे, जहां पर सभा है वहां के लोग वहां पर जुटते थे, और एक भीड़ ऐसी है जो पूरे देश के एक छोर से दूसरे छोर तक जा रही है, तो स्प्रेड कर सकते हैं। अगर मैं ये आरोप नहीं लगा रहा कि स्प्रेडर हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अगर इसमें अगर कोई संक्रमित होता है तो ये बड़े मास लेवल पर स्प्रेड हो जाएंगी चीजें। नहीं, मगर अभी ना बात एक है ना कि प्रधानमंत्री की जो भीड़ में आते हैं उससे तो स्प्रेड नहीं होगा, मगर राहुल गांधी जी क्योंकि उनके एक एक जगह में दो दो तीन तीन लाख लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इसलिए माधुराम चौधरी जी से इसका जवाब लेते हैं। माधुराम जी बार बार ये कहा जा रहा है और सवाल हर कोई कर रहा है, देखिये आम लोग भी ये कह रहे हैं, ये कांग्रेस ही नहीं आम लोग भी कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें चीन से आ रही है उससे घबराहट हर किसी को हो रही और यहाँ की भी गंभीर स्थिति को हम सब ने देखा है, तो सवाल बार बार उठ रहा है कि भारत जोड़ो यात्री को रोकने से पहले जो विदेशों से यात्री आ रहे हैं आप उनको रोक लेते, बाहर से आने वाली फ्लाइटों को लेकर कोई एडवाइजरी हो आपके लिए, बाकी लोगों के लिए हो, किसी तरह के कोई बातें नहीं कही गई, सीधा पहला जो एडवाइस है आप लोगों ने थोप दिया भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, तो क्यों ना लगे कि बायसनेस है आप लोगों में? देखिए अभिनव जी, वैसे तो मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि 220 करोड़ लोगों को लगाई और सुनील जी ने कहा, तो ये धन्यवाद उनको देना चाहिए, क्योंकि आज विदेश की हालत जो देख रहे हैं उससे भारत की हालत बहुत बेहतर है। परंतु आपने अभिनव जी अभी कहा कैरियर की बात हुई कि यात्रा वहां से चली यहां तक आई, जब कोई कैरियर है और कैरियर के लोग अंदर पाए गए हैं, जैसे इनके मुख्यमंत्री भी कोरोना संक्रमित पाया गया है, तो आज राहुल जी तो अपनी राष्ट्र की प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, हम भी कहते हैं इनको सजो के रखिए, आप क्यों इनको खतरे में डालिए और फिर हम इनको रोकने के लिए नहीं कह रहे। उन्होंने तो कहा है कि अगर आपके लोग साथ में चल रहे हैं तो सुरक्षा से चले, उनके साथ में उनको वैक्सीन लगे हुए होने चाहिए। नहीं, उसमें ये भी कहा गया है कि वो अगर आप इसको स्थगित करें, ये भी उसमें बातें कही गई, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोटोकॉल निभाने की बात कही गई, स्थगित करने की बात भी उसमें शामिल है। स्थगित करने की बात की है अभिनव जी, स्थगित का मतलब अगर अभी लग रहा है खतरा है तो उसको टाल सकते हैं, तो टालने के लिए कहा गया है। अगर इनको इनका जोश है कि भाई हमारे बहुत लोग आ रहे हैं, हमारे पॉपुलर हो रहे हैं, हम किसी एम को लेके जा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में किस टारगेट को लेके जा रहे हैं, ये तो इनके पास कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं हमारे पास बहुत आ रही है, हमारी यात्रा का भी ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि इनके पास नहीं आ रहे हैं, ये तो जनता देगी समय आने पर बार बार दे रही है। लेकिन माधुराम जी देखिए सवाल क्यों उठ रहे हैं ना, इसलिए क्योंकि कम से कम अपनी पार्टी आप एक बार एग्जांपल तो सेट कर लेते हैं,
आप कर्नाटका से लेके और मध्य प्रदेश कई राज्यों में आप लोग खुद सभाएं कर रहे हैं, भीड़ जुटा रहे हैं, राजस्थान में भी आपकी जो है जन आक्रोश यात्रा, इन तमाम चीजों को पहले आप रोक देते, आप एहतियातन पहले कदम उठाते, तब आप कहते तो समझ में आता कि देखिए भाई हमने भी किया, सिर्फ हम आपको ये सलाह नहीं दे रहे। लेकिन ये तो वही वाली बात होगी कि सलाह देंगे लेकिन खुद पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अपनी बारी में आपने कुछ नहीं किया। क्या आप बता सकते हैं वो तो कि किसी एक राज्य में बीजेपी को इस तरीके से जमावड़ा ना करने की सलाह दी गई? कांग्रेस के नेता मनीष जी तिवारी खुद कह रहे हैं कि ये गाइडलाइन लागू होनी चाहिए, तुरंत लागू हो रही चाहिए, तो इनके नेता बोल रहे हैं तो इनको सुनाई नहीं दे रहा क्या? वो भी तो चिंतित है, पूरा देश चिंतित है कि चाइना के अंदर किस। अरे तो चिंतित तो मैं भी हूँ माधुराम जी, सुनिए माधुराम जी, मैं भी चिंतित तो हूँ, यहाँ बैठे तमाम लोग चिंतित हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि मैं चिंतित हूँ, मैं चाहता हूँ कि सरकार क्या कदम उठा रही है, क्या एडवाइजरी लाएगी सरकार, कहाँ है वो एडवाइजरी, मुझे क्या प्रोटोकॉल लेकर चलना है, ये कहाँ कोई गाइडलाइन बनाई गई है, तो ये कुछ भी पता नहीं है। पत्र लिख दिया जाता है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, मेरी जान की फिक्र नहीं है क्या, आम लोगों की जान की फिक्र नहीं है? लिखा गया है उसी चिंता पे पत्र लिखा गया है, सेक्रेटरी का पत्र भी लिखा गया है, राज्यों को गया है पत्र के भाई जहां भी है उसको आप क्या गया है? नहीं 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 मिसगाइड मत कीजिए, राज्यों को क्या पत्र गया है उसमें क्या मेंशन किया गया है? जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर कही गई बातें उसको तेज किया जाए, ये नहीं कहा गया है कि वहां पर जमावड़ा ना हो, किसी तरह की यात्रा ना हो, किसी तरह का की कोई सभा ना हो, ऐसी बातें नहीं कही गई। जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर उसमें कहा गया इनको 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 भी नहीं कहा गया अभिनव जी, इनको भी नहीं कहा गया, नहीं हमने यात्रा रोकने के लिए कहा है, इनको ये कहा गया है। ठीक है डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा, आप बेहतर समझाएंगे। देखिए लोगों के अपने अपने दावे हैं और ये कोरोना जो है अब यहाँ पर पॉलिटिकल कोरोना हो गया है हिंदुस्तान में, ये एक खासियत है हम एक अलग वेरिएंट लेकर चलते हैं, हमारे यहां एक पॉलिटिकल कोरोना भी है। मौजूदा स्थिति BS7 को लेकर और चीन की तस्वीरें डरा रही हैं और हर कोई जो है उसको देखकर स्तब्ध है। पिछली बार कई बार आरोप लगे कि समय पर कदम नहीं उठाए गए, इस बार क्या लगता है कि समय पर कदम उठाने की बात हो रही है या फिर कुछ ज्यादा पहले सियासी नफा नुकसान को देखते हुए यह सब किया जा रहा है? अभी भारत में ऐसी स्थितियां नहीं है। किस तरीके से आप एक जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल होने के नाते, चिकित्सा जगत से जुड़े होने के नाते आकलन करते हैं? इस समय तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपन को चीन की स्थिति को देख के कंपेयर नहीं करना चाहिए, भी ऐसी पैनिक सिचुएशन नहीं है, क्योंकि चीन में जो है उन्होंने एक तो जीरो कोविड पॉलिसी थी उनकी और दूसरा उनका वैक्सीनेशन और इन्फेक्शन नहीं हुआ, अपने कोविड की जो इन्फेक्शन काफी हो चुका पहले, इसके अलावा वैक्सीनेशन बहुत अच्छा हो चुका है, अपनी वो सिचुएशन को अपन कंपेयर नहीं करना चाहिए। उसके अलावा गवर्नमेंट ने जो एडवाइजरी जारी कर दी, जीनोमिक सीक्वेंसिंग अपन करते रहे, थोड़ा सा वॉचफुल रहे, है ना, वैक्सीनेशन एफिकेसी जो चीन की थी उससे कहीं कंपेरेटिव अपनी वैक्सीन एफिकेसी बहुत अच्छी है, तो अपन आज की कंडीशन में ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी पैनिक सिचुएशन है, अपन बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और इस समय भी कोविड है मौजूद, लोग टेस्ट करा रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं लोग बाग, और बहुत माइल्ड इन्फेक्शन आ रहे हैं। और रही बात ये 2-3 महीने पहले ये वेरिएंट जो चीन में इतना ज्यादा फैला है, वो वेरिएंट हिंदुस्तान में ऑलरेडी जैसा कि मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि 4 केसेज आ चुके हैं, बिल्कुल, तो 3-4 महीने पहले आ चुके, इसका मतलब डेफिनेटली हिंदुस्तान में लोगों में नेचुरल हाइब्रिड इम्यूनिटी है, नेचुरल इन्फेक्शन की इम्यूनिटी है, वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी है, ऐसी हॉस्पिटलाइजेशन और आईसीयू बेड्स और इनकी कंडीशन ऐसी नहीं बढ़ी है कि अपन इतनी पैनिक होने की जरूरत है। बस अपन को यह है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन करें। ठीक है डॉक्टर लोकेंद्र, मौजूदा समय में पैनिक होने की स्थिति नहीं है, आपने बताया, मैं तमाम दर्शक जो सुन रहे होंगे राहत की सांस जरूर लेंगे इस बात को लेकर, लेकिन ठीक है अब एहतियात की बात करते हैं कि स्थितियां आगे भी सामान्य रहें, स्थितियां ना बिगड़े, तो कहते हैं ना कि सही समय पर कदम उठा लेना, तो मौजूदा समय में ज्यादा जरूरी क्या है? दो उदाहरण है, एक कि बाहर से आने वाली फ्लाइटें, बाहर से आने वाली यात्री और बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनको पहले जो है फिल्टर किया जाए, या भारत के भीतर चाहे वो भारत जोड़ो यात्री हो या आम यात्री हो, आप और मेरे जैसे यात्री हो, पहले इन्हें जो है सजग और सतर्क करना और उनको जो है लेकर गाइडलाइन बनाना, जरूरी क्या है कि बाहर से खतरा आए उसको रोका जाए या पहले से लोगों को जो है इसमें झोंक दिया जाए? नहीं, ये आपका के माध्यम से जो जागरूक किया जा रहा है वो बहुत अच्छी चीज है कि अपन जो सिचुएशंस हैं सर्विलेंस रखें, इनको बाहर से आने वालों का भी सर्विलेंस रखें और लोगों को मोटिवेट करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग कोविड बिहेवियर का भी पालन करें, वैक्सीनेशन भी करवाएं, बूस्टर डोज जो बच्ची है उसको भी लगवाएं। तो अपन जैसा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन के लिए भी लोगों को मोटिवेट करें, ये सब चीजें की जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोविड बिहेवियर का पालन करना ये इंपॉर्टेंट है। और ऐसा
लेकिन डेफिनेटली पेंडेमिक सिचुएशंस तो हैं अभी भी, इसलिए बूस्टर डोज के लिए अपन को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। और रही बात अगर अपन चाइना से कंपेयर करें तो चाइना का वैक्सीन तो जो इन्होंने शुरू में दुबई में भी इसका वैक्सीन लगाया गया था, उसको पाया गया कि वो इफेक्टिव वैक्सीन है, और उन्होंने उसको लौटा दिया और नहीं लगाया, तो अपन उनके वैक्सीनेशन प्रोग्राम को, उनकी वैक्सीनेशन की बहुत लो एफिकेसी थी, उससे हिंदुस्तान के हाइब्रिड इम्यूनिटी को कंपेयर नहीं कर सकते, और ना ही चाइना को देख के इतनी पैनिक होने की जरूरत है। अपन पूरा ठीक है, माधुर सावधानी जी आप रखें। सुन रहे हैं, और हाँ चिकित्सक का खुद कहना है कि इतनी पैनिक सिचुएशन है नहीं, और नहीं, नहीं, आपको नहीं, याद होगा, नहीं, सवाल सुन लीजिए माधुरम जी, सुन लीजिए, एक तो पैनिक सिचुएशन नहीं होने की बात है, दूसरी बात यह कि आप याद कीजिए कोरोना की मार के बीच में चुनाव भी संपन्न हुए हैं कई राज्यों में, और आज जो है जब अलार्मिंग सिचुएशन भी नहीं है तब तक जो है आप लोग इस तरह से कर रहे हैं। अगर इसी स्थिति में आता है तो अपना सबसे पहले वैक्सीनेट होना चाहिए। आपको जो जो राहुल जी को लेटर लिखा गया है उसमें भी यही लिखा गया है कि आज के साथ में चल अरे तो देश के नाम लिख देते ना एक पत्र, मन की बात में पूरे देश को संबोधित कर देते ना, राहुल गांधी आप कांग्रेस से ज्यादा तो एसेट मानकर आप बैठे हैं। मैं भेज दूंगा आपको भरत भूषण जी का सेम डेट का लेटर लिखा हुआ है, हाँ 20 तारीख का लेटर भारत भूषण जी आईएएस का लिखा हुआ है, सेक्रेटरी का लेटर गया है पूरे देश को, सभी स्टेटों को गया है, वो लेटर में उन्होंने यही बातें लिखी है। तो राहुल गांधी कोई स्टेट है क्या? माधुराम जी मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, राहुल गांधी एक यात्रा निकाल रहे हैं, माधुराम जी सुनिए तो इत्मीनान से, राहुल गांधी एक यात्रा निकाल रहे हैं, उनको लेकर कुछ परामर्श आप लोगों ने दे दिया कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है और संभव हो तो स्थगित कर दीजिए तमाम चीजें। आप स्टेट वाली जो बात कर रहे हैं वो अलग है, राहुल गांधी एक पर्सन है, और एक पर्सन होने के नाते मेरे और आपके जैसे लोगों के लिए कोई बात कही गई है, कोई पत्र लिखा गया है, कोई मैसेज कन्वे किया गया, नहीं ना, फिर राहुल गांधी ही क्यों? सारे स्टेट की तरह जो है राहुल गांधी कोई एक राज्य है क्या? नहीं नहीं, हम तो यही तो कह रहे हैं अभिनव जी, राहुल गांधी जी कोई देश से ऊपर नहीं है, देश को खतरे में नहीं डालना चाहिए, और उनके साथ ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इवन यहाँ हिमाचल के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए, कई साथी उनके पाए गए, या फिर उनके पीछे चल रही भीड़ को देखकर बौखलाहट वाकई में है। भीड़ भीड़ का तो समय आने पे पता चलेगा, नहीं, क्योंकि आपके तो इन लोगों का दावा है कि आपके जनाकोश में तो लोग पहुंचे नहीं, इनके वाले में भीड़ पहुंच गई तो आप घबरा गए। 7 सितंबर से चल रही है, हाँ। आज की तारीख में ऐसी कौन सी एकदम इनके पास में भीड़ आ गई, नहीं तो किसी किसी ने याद तो नहीं किया, इनको घूम रहे थे ये इनकी मस्ती से, ये किनके साथ में कैसे घूम रहे थे, किस स्थिति में घूम रहे थे, ये जाने इनका राम जाने, पर आज स्थिति यह है कि जब कोरोना एक चिंता का विषय है तो चिंता करनी चाहिए, ये है, नहीं तो इनको कौन, 7 सितंबर से 103-104 दिन हो गए। नहीं तो ये चिंता जो जो बात कह रहे हैं कांग्रेस के आपके साथी कह रहे हैं कि जब जब गुजरात में BF7 के केस मिले थे तो वहां वहां पर भी तो चिंता जाहिर करनी चाहिए थी ना। सुनील जी तो ये सवाल उठा रहे हैं ना, सुनील जी कह रहे हैं कि गुजरात में अगर केस मिले थे तो वहां पर भी तो सावधानी बरतनी चाहिए थी, नहीं करना चाहिए था आपको वहां पर सभा? गुजरात यात्रा तो गुजरात के पास से होके आई ना, तो गुजरात में बदल देते, ये भीड़ इनके पास में इतनी आ रही थी तो वहां पे इनको मैंडेट मिलता ना, फिर गुजरात में क्या हालत रही। ठीक है सुनील जी। सर देखिए पहली बात तो है अभिनव भाई कि जो नफरत जो फैलाने वाले लोग हैं वो मोहब्बत के फैलाने वालों से बहुत परेशान होना उनका लाजमी है, हमारा काम मोहब्बत फैलाना है, जहां तक एक मैंडेट की बात है तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ, आप मोहब्बत मोहब्बत की दुकान करते करते मोहब्बत की मंडी पर पहुंच गए, राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हुआ है, बहुत लोगों ने देखा है, कहां है नफरत कहां है मोहब्बत। खैर आप काउंटर करना चाह रहे थे कुछ, देखिए देखिए देश में आप साफ हो रहे हैं धीरे धीरे, मगर अच्छी तरह आप ये समझ लीजिएगा। ठीक है माधुरंजन जी एक बार सुनील जी बोलिए ना, आपको काउंटर का मौका दूंगा, आपको काउंटर का मौका दूंगा माधुराम जी, एक बार वो अपनी बात रख लें जी सुनील जी। नहीं पर ऐसी बेवड़ी बातें क्यों करते हैं? अब बात एक है, कन्याकुमारी से एक यात्रा चलती है और जो ये यात्रा चलती है वो कारवा बनने लगता है, और कर्नाटक आते आते वो लाखों का और ऊपर आते आते दो दो तीन तीन लाख एक एक दिन जब पहुंचते हैं राहुल गांधी को रिसीव करने के लिए। राजस्थान में आपने देखा कि किस ढंग से झालावाड़ में, बारा में, कोटा के अंदर, दौसा के अंदर तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, मैं एक दिन में 3 से 4 लाख की सरकार है, रिकॉर्ड तो टूटना ही था। तो जब सड़क पे चलता हुआ जो एक नहीं नहीं मैं प्रश्न ये कहना कि लोग सो मोटो पहुंचे, लोग अपने दिल से पहुंचे और जिस ढंग का लोगों के अंदर जो अच्छा लोग खुद से पहुंचे हैं, किसी को जिम्मेदारी लोगों को लाने की जिम्मेदारी नहीं दी गई थी आपके नेताओं को, क्या जिम्मेदारी और लोगों को जुटाने की जिम्मेदारी नहीं दी गई थी? गंभीरता से कह रहे हैं आप इस बात को?
देखिए संगठन का उसमें रोल होता है, शक नहीं है। कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, संगठन का रोल था। मगर आप ये भी मान लीजिएगा कि जब तीन तीन चार चार लाख लोग पहुंचे, एक एक दिन में पहुंचते हैं, तो लाजमी सी बात है कि निहाल चंद को परेशानी हो या देवजी पटेल को परेशानी हो या पीपी चौधरी को परेशानी हो। मगर यह बात एक है कि राहुल जी को जिस दिन पत्र दिया उसी दिन अगर वो बोमई को भी पत्र देते, वो सतीश पूनिया को भी पत्र देते, वो जेपी नड्डा साहब को भी पत्र देते कि आप भी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को बंद कीजिए, तो बात लगती है एक बात। मगर आप ये नहीं कह सकते कि अगर गुजरात के अंदर मोदी जी अगर BF7 के एक्सपोजर के बावजूद भी रैलियां करते हैं तो नहीं फैलेगा कोरोना। मगर राहुल गांधी अगर लोगों के अंदर अगर मोहब्बत की अलग जगाते हैं तो कोरोना फैल जाएगा। ये थोड़ी सी बात है, सरकार बायस है। आपकी यात्रा है, ठीक है, बीजेपी बहुत ज्यादा इसको तूल नहीं दे रही है, लेकिन बीजेपी कुछ भी कर रही है, सरकार कुछ भी कर रही है तो तुरंत जोड़ दिया जा रहा है, ये इम्पैक्ट है भारत जोड़ो यात्रा का। देखिए डर गए, फैसला ले लिया, देखिए बौखलाहट हो गई तमाम। आप लोग तो एकदम इसके इम्पैक्ट को उन पर थोप देना चाहते हैं, वो लोग तो जबकि भाव भी नहीं दे रहे हैं। नहीं देखिए, वो भाव दे रहे हैं नहीं दे रहे, ये आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर किस ढंग से भाजपा की जमीन सरकार को जनता ने उखाड़ फेंका है। और गुजरात के अंदर भी अगर आप वाली प्रॉक्सी नहीं होती, ये कहने की बात आप नहीं, नहीं ये कहने के थ्रू आम आदमी पार्टी की प्रॉक्सी अपना चेहरा छिपाने की बात है, आप बता तो वह रिजल्ट कुछ और होगा। इतने मैच्योर हम सब हमारे दर्शक भी है कि वो आपका बहाना लेकर हिमाचल का निहार को नहीं भी लेकर, ठीक है, आप हिमाचल जीते जरूर है, इसके लिए शुभकामनाएं भी है आपको, अच्छा आपने वहां पर फाइट किया, लेकिन गुजरात को लेकर ऐसे मत कहिए कि आप नहीं आती तो ये हो जाता। नहीं ये नहीं, आप मान लीजिए जैसे वहां की जीत को स्वीकार कर रहे हैं कि हार को कर लीजिए, ये तो अरे मगर आप नहीं नहीं नेचर अभिनव भाई, आप एक बात तो माननी पड़ेगी ना कि चुनाव से पहले दो राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, अब एक में रह गई, एक में कांग्रेस के पास आ गई, तो ये एक अपने आप में एक चीज को कह रहा है कि दो राज्यों के अंदर चुनाव से पहले थी भाजपा, 24 में आपको आ जाना चाहिए और 23 में राजस्थान में रिपीट हो जाना चाहिए, निसंदेह होने जा रहे हैं, निसंदेह होने जा रहे हैं। मैं आपके आपके दर्शकों के सामने कैमरे पे ऑन एयर कह रहा हूं कि हम निसंदेह रिपीट होने जा रहे हैं और जो बौखलाहट है वो इसीलिए है। 10 सेकंड में माधुराम जी प्रतिक्रिया दे दीजिए, उसका फाइनल कमेंट लेंगे डॉक्टर लोकेंद्र से। 10 सेकंड में प्रतिक्रिया दे दीजिए। अभिनव जी, मैं ये बताना चाहूंगा, जब राजस्थान के अंदर कोई भी जुलूस निकलता है हिंदू समाज का या उनका, तो उनपे 116 की कोरोना में पूरे 3 साल तक इन्होंने लगे रखा, तो वो तो इनको ध्यान में नहीं आती। जब राजस्थान में यात्रा निकल रही है, एक लेटर इनको लिख दिया, खाली ये कहा गया कि आप अपने अब इसको हिंदू मुस्लिम पर मत लीजिए माधुराम जी, फिर तबलीकी जमात का जिक्र करूंगा तो आपको बुरा लगेगा, फिर आप लोगों ने क्या कुछ किया था, क्या छवि बना दी आप लोगों ने, वो फिर वो अलग हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर लोकेंद्र, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा, ये जो सियासी जो तमाम आरोप प्रत्यारोप है इनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो लोग जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, एक तरफ भी कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि अलार्मिंग सिचुएशन है, संभल जाइए तमाम चीजें, एक तरफ है कि नहीं ऐसा माहौल नहीं है, हम सुरक्षित हैं, भारत में तमाम व्यवस्थाएं हैं, दोनों बातें हैं, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में हर एक आम हिंदुस्तानी को किस तरीके से सिचुएशन को लेना चाहिए, कितनी गंभीरता बरतनी चाहिए, क्या अभी भी इंतजार करना चाहिए या वो समय आ गया है कि फिर से अपने पुराने प्रैक्टिस में जो है हैबिट्स जो है उसको वापस ले आना चाहिए एहतियातन बिना किसी के कुछ कहे। इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि जैसा सरकार अगर गाइडलाइन जारी करती है, उनके एक्सपर्ट जो गाइडलाइन जारी करते हैं उनको फॉलो करते हुए चीजों के किया जाए। इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इतनी पैनिक सिचुएशन नहीं है, क्योंकि चाइना को देखते हुए अपन को इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाइना और अपने में बहुत डिफरेंस है, नेचुरल इम्यूनिटी का, हाइब्रिड इम्यूनिटी का, वैक्सीन इम्यूनिटी का बहुत डिफरेंस है, इसलिए इतनी ज्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं है। दूसरा ऐसा नहीं है कोविड चला गया, कोविड की अभी भी केसेज आ रहे हैं, पेंडेमिक स्टेज है वो, आज भी जो केसेज है, जैसे कि अभी आप मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि जो नया वेरियंट है वो ऑलरेडी 4 केसेज आ चुके हैं और वो कई महीने पहले आ चुके हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अगर सरकार कहे कि कोविड बिहेवियर का पालन करना है तो तुरंत उस चीज को शुरू की जाए। अगर दूसरा सरकार कह रही है वैक्सीनेशन बूस्टर डोज के, बिल्कुल सरकार के गाइडलाइंस का इंतजार करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, लेकिन सरकार को भी ये सोचने की जरूरत है कि इसे पॉलिटिकल कोरोना ना बनाया जाए और लोगों की जिंदगी का की फिक्र जो है जैसे पिछली बार किया गया था आगे भी किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ा सवाल यही है कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन से कंपेयर नहीं किया जा सकता,
सिचुएशन भारत में ठीक है और ठीक रहने की संभावना है, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में कोरोना का डर दिखाकर हर कोई अपने अपने मतलब को, सियासी मतलब को साध लेने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं साफ भी हो जाएगा। आज के डाक में इतना ही, नमस्कार।